किसी ने पर्वत को उठा लिया, किसी ने पहाड़ को उठा लिया, लेकिन हमारे पूजनीय आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब ने अपने कलम के नोक पर पूरे भारत को उठा लिया। आज हमें संविधान के 70वें साल के बीच पहले कैसे बना, कैसे बड़ा रूप तैयार हो, उस पर मैं नहीं जाऊंगा कि 70 सालों में क्या हुआ और अभी क्या हुआ, प्रेजेंट स्थिति, वर्तमान स्थिति क्या है। हमारे देश में जो हम 85% से ज्यादा लोग रहते हैं, उनको सिर्फ जो कुछ चंद मुट्ठी भर लोग हैं वो बांटना चाहते हैं, और अकलियत समाज के लोगों को वो बांटना चाहते हैं। मैं पूछना चाहता हूँ आप लोगों से, जागरूक होना पड़ेगा, अगर संविधान को बचाना है तो जागरूक होना पड़ेगा, और संविधान में समता की बात है, विषमता की बात नहीं है। आप कहीं भी भारत के अंदर सर्वे कीजिए, आपको मुस्लिम समाज और हमारे मूल निवासी एक साथ मिलेंगे। हमारा घर किसी स्वर्ण जाति के बीच अगर होगा तो हमारे बहू को भी खतरा है, बेटी को भी खतरा है, रोटी को भी खतरा है। और आज जो देश की साजिश है, हम दोनों को, मुसलमानों को और हमारे मूल निवासी को लड़ाने की बात हो रही है, जबकि सच ये है कि हम एक साथ हैं। हमारा आपसे बहुत ही नजदीक का रिश्ता है। जब अंबेडकर साहब को कानून समिति में नहीं भेजा जा रहा था तो किसने सहयोग किया? मुसलमानों ने। जब ज्योतिबा फुले के स्कूल के लिए जगह चाहिए थी मुंबई में, शेख किसने दिया? वो शेख जो था मुसलमानों ने दिया। तो आपको इन बातों को समझना होगा, इस देश में साजिश है कि हम लोगों को लड़ाया जाए, और जब हम एक हो जाएंगे, और भी बाबा भीमराव अम्बेडकर का भी ये शब्द था, वो शब्द क्या है, इकट्ठे हो जाओ, एजुकेट बनो और संघर्ष करो, और हम एकता में कहाँ हैं, हमारा तो लड़ाया जा रहा, आरएसएस द्वारा लड़ाया जा रहा, हमें बांटा जा रहा है। तो हमें समझना होगा इन बातों को, और इन बातों को समझते हुए इस देश में संविधान बाबा साहब अम्बेडकर जितने पढ़े, जब उनके उनको देखिए, उनके ड्रेस को देखिए, और हमारे ये पाखंडी लोगों का ड्रेस को आप याद कीजिए, वो क्या पहनते, आप देखिए कितने वेल मेंटेन हैं। टाई कोट आप जब वो धोती भी पहनना नहीं जानते थे, हमारे बाबा साहब टाई कोट लगा के और खाना भी खाना नहीं चल जानते थे। हमारे बाबा साहब ने इनको सिखाया कि खाना कैसे खाया जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, मुझे इन बातों को समझना है, और इसी के साथ में इन बातों को समझ खत्म करता हूँ। सब लोग बोलेंगे जय भीम।